गाइस वेलकम बैक। ओके फर्स्ट प्रोग्राम आपका हो गया था, चल मिलते हैं, चलो करते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम ये है कि लाइक क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग यूजर प्रोवाइड लेंथ एंड विड्थ। ओके देखो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे एरिया निकालना है, यानी क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में दे के रखा हूँ कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ। ओके मुझे यूजर से क्या चाहिए, यूजर चाहिए लेंथ एंड विड्थ। तो देखो अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला है तो आपको कोड में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो चलते हैं, प्रोग्राम अपना है, नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं प्रैक्टिस टू। ये मैं डे एट में ही रखूँगा बिकॉज हम लोग इसी एक ही के अंदर रखेंगे तो प्रैक्टिस आपको फाइंड करना भी ईजी रहेगा कि मैं इसको गिटहब पे डालने वाला हूँ प्रोग्राम, तो वहाँ से आपको ईजी रहेगा। ठीक है तो चलो यहाँ पे ना जो स्टार्टिंग का कोड है डमी कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे क्या होगा अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। राइट तो आप बट आपके लिए आप सजेशन है आप इसको टाइप करो मैनुअली तो अच्छा रहेगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चाहिए, प्रोग्राम समझो पहले कैसे करना होता है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करने से पहले उसको कितने वेरिएबल चाहिए, कितने का रिक्वायरमेंट है, वो सब आप समझ के चलो। तो यहाँ पे देखो तीन चार वेरिएबल चाहिए, एक चाहिए लेंथ विड्थ, एक चाहिए एरिया, एक चाहिए पेरीमीटर, चार वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वेरिएबल बनाऊँगा। अब वेरिएबल आपका इंटीजर रहेगा कि फ्लोट रहेगा, ये फ्लोट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे एरिया निकालने वाले हैं तो डेसिमल भी हो सकता है। अच्छा आप फ्लोट ले लो। ठीक है तो मैं यहाँ पे फ्लोट करूँगा, फ्लोट में एक आएगा लेंथ कॉमा, एक आएगा विड्थ कॉमा, एक आएगा एरिया, एक आएगा पेरीमीटर। ठीक है सो पेरीमीटर तो ये है आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। बट जो लेंथ एंड विड्थ है ये कहाँ से चाहिए, आपको यूजर चाहिए। ओके तो इसको यूजर इंटर करने वाला है तो मैं यहाँ पे यूजर को बोलूँगा। जब यूजर को इंटर करने की बात है तो उसको हमसे एक सजेशन देंगे, हिंट देंगे, तो उसके लिए आपका सी आउट आता है। ठीक है तो सी आउट में आप क्या बोलोगे, सी आउट में बोलोगे यहाँ पे इंटर द लेंथ। ठीक है इंटर द लेंथ तो यूजर क्या करेगा, लेंथ इंटर करेगा, तो उसको लेंथ इंटर करने के लिए हम सी इन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा एल, ओके मैंने लेंथ क्या लिया है, एल लिया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका आएगा इंटर द विड्थ। ओके एंड विड्थ में क्या पास करने वाला हूँ, सी इन डब्ल्यू। आपको देखो लेंथ भी मिल गया, आपको विड्थ भी मिल गया। ठीक है नाउ आपको नेक्स्ट अप्लाई करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे होता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू आपका लेंथ एल है मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं अपन, स्टार वाला। ठीक है अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो अरिथमेटिक में एक प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सिंबल ही वाला है। ओके तो आप यहाँ पे क्या यूज करिए, लेंथ इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे एरिया आपका सेट हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू है। तो अब क्या करो, इसको स्प्लिट करके देख लो एक बार। तो स्प्लिट करने के लिए आएगा अगेन सी आउट आएगा। ठीक है सी आउट में बोलोगे एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा एरिया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है मैंने यहाँ प्रिंट किया है और यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट्स में रखा है। तो अगर इसको प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, ये आपका प्रैक्टिस टू है तो जी प्लस प्लस, यहाँ पे आएगा आपको प्रैक्टिस टू नौ ए। तो मैंने यहाँ पे 5 × 5 पास किया तो एरिया कितना मिल गया आपको, 25 मिल गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कर लो क्या बोलोगे, पेरीमीटर कर लो बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई वाला, तो लेंथ सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है प्लस है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे लेंथ प्लस डब्ल्यू। तो देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके हम लोग काम कर रहे हैं तो जितने भी एग्जाम्पल है सब उसके रिलेटेड ही है। तो अब क्या इसको प्रिंट करोगे, यहाँ पे लाइन चेंज कर लो और इसको बोलो नीचे वाला कॉपी सेम कॉपी कर रहा हो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पेरीमीटर। ठीक है
पेरीमीटर प्रिंट करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा। क्योंकि तो कोड बहुत सिंपल है, कोड कुछ है नहीं इसके अंदर, अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत इजीएस्ट वे से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खाली बेसिक समझो कैसे कैसे कब क्या पास करना है। तो देखो, जब यूजर को इंटर करना होगा तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। यूजर्स करने के बाद आपको मेन कैलकुलेशन करना था, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा इसको प्रिंट कर दो, बस दो तीन स्टेप का ही कोड है। तो ये सब प्रैक्टिस करो, और हमेशा याद रखो जितना प्रैक्टिस करोगे कोड आपको उतना मजबूत होते जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस टू डॉट सी पी पी। अब इसको अगर कंपाइल किया नहीं किया तो यहाँ पे अगर मैं 5+5 पास किया तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 25 एंड पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 10 आया। ठीक है, सो सिंपल कोड। आपको देखो कुछ डाउट होते डेफिनेटली कमेंट करो, कुछ भी आगे पीछे सोचो मत, बिंदास कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन इसमें दे दूंगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्यूरी है कमेंट करो, कोई बेसिक्स भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया तो भी आप उसको क्यूरी करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट क्यूरी ये है कि लाइक आपको टेम्परेचर में दो चीज़ें होती है, फेरनहाइट होता है, एक होता है सेल्सियस। एक क्या होता है, फेरनहाइट होता है, एक है सेल्सियस। सो आपको अगर फेरनहाइट दिया जा रहा है, एग्जाम्पल अगर आपको फेरनहाइट दिया जा रहा है तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको सेल्सियस दिया जाएगा तो आपको फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं प्रैक्टिस 3। यहाँ पे प्रैक्टिस 3 डे नंबर 8 में आएगा ना, इसको कन्वर्ट करो। डे नंबर 8 में क्या आएगा, प्रैक्टिस 3.cpp। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेन पॉइंट रखता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला जो से इसका सेल्सियस का है, तो आपको जो फेरनहाइट मिलता है यहाँ पे, ओके, फेरनहाइट माइनस 32, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 5/9, ये फॉर्मूला इसका है। अगर आपको फेरनहाइट मिलता है तो अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला अपने आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, अगर वही आपको फेरनहाइट है सेल्सियस मिलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है सी मल्टीप्लाई बाई 9/5, सी मल्टीप्लाई बाई 9/5, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस 32, ऐसे आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करोगे, चलो देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम, इंक्लूड iustream.stream, यहाँ पे आपका आएगा यूजिंग नेम स्पेस stream। चलो अभी आपको क्या चाहिए, देखो दो ही वेरिएबल चाहिए, एक तो सेल्सियस चाहिए, एक तो फेरनहाइट चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी आपको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास प्रोग्राम जो है, मैं दो वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे फ्लोट फ्लोट जो f है मेरे पास पहले से, मान लो अभी टेम्परेचर अभी यहाँ का पकड़ो तो मान लो 18 डिग्री टेम्परेचर मेरे पास है। ठीक है, और दूसरा है एक सेल्सियस है, मान लो इसमें मैंने इसमें भी 18 रखा है, एग्जाम्पल ले लो, इसमें भी मैंने 20 रखा है। तो मैं ये जो फेरनहाइट है, अगर फेरनहाइट को मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो तो अप्लाई करने के लिए मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि लाइक सी आउट मेरा है पहला आउटपुट फेरनहाइट टू सी कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लो यहाँ पे, फ्लोट एफ रिजल्ट करके, एफ रिजल्ट दूसरा है सी रिजल्ट। तो मैं क्या करूँगा, जो कन्वर्ट करूँगा ना इसमें रखूँगा, जो कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे रखूँगा। तो मैं इसके इक्वल टू क्या बोलता हूँ, फेरनहाइट इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या है फेरनहाइट का, ये वाला देखो, इज इक्वल टू दिस। ओके, सी क्या है आपका, ये वाला है, कॉपी करके यहाँ डाल दो, बस हो गया आपका। तो इससे जो भी रहेगा आपका कैलकुलेट होगा, कहीं होगा इसके अंदर आ जाएगा, इसको प्रिंट कर दो यहाँ पे बस। इसको आप इसको भी नीचे ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ बोल दो सी आउट आपका क्या है, एफ रिजल्ट, सॉरी। ठीक है, और जो ए वाला पहले वाला है ये निकालना है,
तो यहाँ पे ही मैं निकाल लेता हूँ, ये आपका है सी रिजल्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हो, स्टार डाल दो, हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये फैन आउट ऑफ सेल्सियस है, यहाँ पे लाइन चेंज करो। नेक्स्ट जो मैं इसको प्रिंट करूंगा ये आपका होगा सी टू एफ, ओके। इसमें आपका आएगा, सॉरी ये एफ टू सी है और ये सी टू एफ, मतलब यहां पे जो प्रिंट होगा ये वाला प्रिंट होगा और ये सी टू एफ है, मतलब ये वाला प्रिंट करने यहां पे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं अभी कैसे क्या आएगा। सिंपल देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेटर रिजल्ट ला देगा, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ओके। चलो तो यहाँ पे आप कौन सा कोड है, कोड नंबर है प्रैक्टिस 3, सो जी प्लस प्लस यहाँ पे आएगा प्रैक्टिस 1 2 3, ओके। इंटर किया, ये इंटर किया, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइक एफ टू सी है, एफ कितना है, फैन 18 है, तो उसका सेल्सियस में कन्वर्ट किया कितना है, -7 है, ओके। अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फैन कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना आया, 68 फैन आया, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम है आपको क्या क्या बताने की ट्राई किया कि अगर आपको कोई फॉर्मूला मिलता है तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, तो दोनों टू एंड थर्ड में वही था, इसलिए मैंने इसको एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट कवर किया है, ओके। गाइज आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट होता है बेफिक्र कमेंट करो, मैं कुछ भी रहेगा तो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, सॉल्व करूंगा, ओके। चलो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।